हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको लेके आ गया हूँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का एक नया अपडेट दिखाने के लिए दोस्तों, क्योंकि काफी टाइम हो चुका था मैंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का कोई अपडेट नहीं दिया था। तो फाइनली आज मैं लेके आया हूँ आपको नवसारी और बारडोली के बीच में होकर जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का जो काम है, काफी जोरों शोरों में काम है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो ये गार्ड वगैरह सारे बनके कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ तक ये पूरा मिट्टी का काम जो है वो चालू है, और आगे थोड़ा लेके चलूंगा मैं आपको आगे जो सीमेंट का बनाया हुआ है वहाँ पे काम थोड़ा ज्यादा हो गया है दोस्तों। वहाँ पे आपको ज्यादा काम देखने को मिलेगा, क्योंकि जो रोड है वो पूरा बनके कंप्लीट जैसा हो चुका है। आगे लेके चलता हूँ, और ये अपडेट बहुत ही लेटेस्ट है। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को जरा भी मिस मत करना, और चैनल को सब्सक्राइब करे मत जाना दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्य मैंने आपको दिखाया है कि जैसे कि यहाँ पर ब्रिज बनाया जा रहा है, जो कि एक छोटा सा रोड है, इसको क्रॉसिंग करने के लिए ब्रिज बनाया जा रहा है। और मैं आपको बताऊँ दोस्तों, गुजरात में लगभग 426 किलोमीटर का टोटल इसका ये रोड होने वाला है, और इसमें 250 किलोमीटर लगभग कंप्लीट हो चुका है, और 106 किलोमीटर का कार्य निर्माण पूरा हो गया है। तो गाइस, आप देख सकते हैं इस जगह पर जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर ब्रिज बनाया जा रहा है, और मैं आपको बता दूं दोस्तों, 250 किलोमीटर से मैं लगभग 250 किलोमीटर से लगभग 106 किलोमीटर का निर्माण कार्य हो गया है। गुजरात में 426 किलोमीटर के दायरे में कुल 60 पुल, 17 फ्लाईओवर और 17 ही इंटरचेंज तथा 8 ओवर ब्रिज निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि अलग अलग शहरों में कनेक्ट करता है, इसलिए यहाँ पर ये बनाए जा रहे हैं। और ये आप देखेंगे ना, यहाँ पर अभी हम जाने वाले हैं इस तरफ, यहाँ से आपको पूरा कंटिन्यू वीडियो बना के दिखाने वाले हैं, क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा काम कंप्लीट है और रोड का कार्य पूरा कंप्लीट हो चुका है, वही आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों। तो फटाफट चलते हैं और आगे का अपडेट आप दिखाने वाले दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा अभी कार्य अधूरा है, यहाँ पर खाली मिट्टी डाल के इसका लेवल लिया गया है, और बहुत जल्दी ये भी कार्य प्रगति पर किया जा रहा है, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी गाइस। तो बारिश की वजह से यहाँ पर अभी ये काम थोड़ा स्लो हो गया था, हालांकि अभी बारिश कम है तो यहाँ पे एकदम रास्ता बिल्कुल ठीक ठाक है, गाड़ी चल सकती है आराम से इस पर। तो आगे मैं स्ट्रेट जाने वाला हूँ, जहाँ से आपको इंटरेस्टिंग अपडेट देने वाला हूँ गाइस। ये देखने को मिल पा रहा होगा आपको जो इंटरेस्टिंग अपडेट है इसका, यहाँ पर ये सीधा जा रहा है सूरत की तरफ, और ये सीधा जा रहा है मुंबई की तरफ दोस्तों। तो ये पूरे NHAI के अंडर में काम, ये ज़मीन जो देख रहे हैं ना यहाँ तक की आप, ये पूरी NHAI की है, जहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा दूँ, जो आप पिलर देख रहे हैं ना, ये पिलर जो लगाए हुए हैं पुल, ये पूरा NHAI का, ये पूरा, क्योंकि इसको भविष्य में 12 लाइन तक का तो बनाना ही है, हालांकि अभी इसको 8 लाइन का बनाया जा रहा है। आगे समय जैसे दिक्कत होगी वैसे सबसे इसको मैनेज किया जाएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं। फटाफट से चलता हूँ गाड़ी पर बैठ के मैं भी, और बढ़ता हूँ आगे की तरफ। तो दोस्तों, मैं इस परफेक्ट लोकेशन की बात करूँ तो ये विलेज आता है एक चित्रा विलेज का मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, जहाँ पर ये काम कार्य किया जा रहा है प्रगति पर, और काफ़ी जल्दी से इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि इसको मैं आपको बता दूं गाइस, वैसे तो इसकी डेडलाइन थी दिसंबर 2023 की, लेकिन ये काम पूरा नहीं हो पाया, इसको फाइनली 2024 में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। 2026 के 24 के एंडिंग में ये शायद एक्सप्रेस वे पूरा का पूरा बन के रेडी हो जाएगा दोस्तों। 1,00,000 करोड़ की लागत से बना हुआ ये दिल्ली बड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे दोस्तों, जो कि 1,350 किलोमीटर का ये सफ़र होने वाला है। और दोस्तों, क्या आपको बिलीव नहीं होगा कि मात्र दिल्ली से और मुंबई, यानी जो भारत की राजधानी है दिल्ली और भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, दोनों सिटियों को आपस में कनेक्ट करेगा, और मात्र जो उनकी दूरी है टोटल 1,350 किलोमीटर, और मात्र 12 घंटे में हम लोग दिल्ली से मुंबई नॉन स्टॉप जा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस एक्सप्रेस वे पर जो इनका जो एरिया होगा, खुद आपको रेस्ट रूम हो गया, होटल हो गया, या फिर ट्रोमा हो गया, पेट्रोल पम्प हो गया, और ये सब जैसे फ्यूल यानी ये पेट्रोल पंप वगैरह होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग गाड़ियाँ सब इनको NHAI का ही होगा इसमें, और दूसरा कोई यहाँ पर परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ऊपर के ऊपर ही सब इनका बनाया जाएगा। होटल वगैरह सारी सुविधा इनको एक्सप्रेस वे के ऊपर ही मिलने वाली है आपको, क्योंकि आप जगह एक बार जैसे सूरत से चढ़ेंगे तो उसके बाद में आप सीधा यहाँ पर भरूच पर इंटरचेंज कर पाएंगे, बीच में कोई जगह नहीं मिलेगी आपको एग्जिट करने के लिए दोस्तों, इसीलिए बीच बीच में खुद की जो NHAI की है ना, उसकी सारी सुविधा आपको मिलेंगे। उसका जो चार्ज होगा वो अलग से आपसे चार्ज अलग से आपको लिया जाएगा, क्योंकि जो जैसा आप यूज करेंगे उस हिसाब से चार्ज लिया जाएगा, मैं आपको बता दूं दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं, अभी मैं इस तरफ से आ रहा हूँ, लगभग मैं आ चुका हूँ 400 मीटर की दूरी पर वीडियो बनाता हुआ, और अभी मुझे स्ट्रेट जाना है, वहाँ पर आपको काफ़ी सारा कम्प्लीट काम देखने को मिलने वाला है गाइस।
से मैंने इंट्रो दिया था वहाँ से लगभग मैं 500 मीटर चल के लगभग आ चुका हूँ और अभी मैं आगे लेके चलने वाला हूँ। आगे जो रोड है वो पक्का बना हुआ है, बना दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये हरियाणा के सोहना सिटी से निकलता हुआ मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को कनेक्ट करेगा दोस्तों, और इसके बीच में जो ये 5 राज्यों से होके गुजरने वाला है दोस्तों। मैं आपको बता दूँ, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, MP, गुजरात और महाराष्ट्र में जाके जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को कनेक्ट करेगा। और ये अपडेट बहुत ही अच्छा है दोस्तों, आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा। आगे का काम कुछ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि सीमेंट का काम है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और अभी जो मैं बना तो लाया था ये सब मिट्टी का काम, जो जगह को लेबल वगैरह कर दिया गया है। लेके चलता हूँ आगे और दिखाता हूँ आगे का भी अपडेट आप। तो गाइज आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ना, इस जगह का जो मिट्टी का काम था वो कम्प्लीटली हो चुका है, अर्थवर्किंग का पूरा कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ पर अभी कॉन्क्रीट वगैरह डाल के और इसको लेवल स्टार किया जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा मिट्टी का काम ज़्यादा बाकी रहा नहीं, थोड़ा ही बाकी है बस। और क्योंकि आप देखेंगे ना, यहाँ पर सारे सारा कॉन्क्रीट वगैरह डाला हुआ है और इसके ऊपर जल्दी यहाँ पर रोड का काम बाकी रह जाएगा, यानी NHA का जो रोड का काम होता है ना वो यहाँ पर जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं दोस्तों। फाइनली अभी हमें जाना है इस तरफ। दोस्तों मैं बता दूं ना, इस एक्सप्रेस वे पर खास करके, हालांकि गाड़ियों को फ्लाईओवर तो बनाया जा रहा है क्रॉसिंग करने के लिए, लेकिन खास करके जो किसान लोग होते हैं ना, उनकी बैलगाड़ियाँ जो गाय भैंस होती है ना, उनका भी खास करके ध्यान रखा जाता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर एक छोटा सा क्रॉसिंग ब्रिज बना हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई खास रोड नहीं है, छोटा सा रोड है, जो किसान लोग होते हैं ना उनकी गाड़ियों के लिए यहाँ पर बनाया गया। किसान लोग जो होते हैं ना, उनकी क्रॉसिंग करने के लिए यहाँ पर जो एक क्रॉसिंग ब्रिज बनाया हुआ है छोटा सा, आप देख सकते हैं, जो कि एक छोटा सा रोड आता है उसको क्रॉसिंग करता हो इस तरफ जाएगा ये दोस्तों। तो यहाँ पर आप काम देखेंगे तो यहाँ पर अभी बाकी है, यहाँ पर लेबल मिट्टी का जो कर रहा था ना पूरा हो चुका था, कितना ऊँचा ये, और यहाँ पर भी काम काफ़ी बाकी है और आगे लगभग इसका काम कम्प्लीट है, जो एक्सप्रेस बन के तैयार भी हो चुका है। फटाफट से चलते हैं उसी जगह पर, मिलते हैं आगे जाके आपको, और फटाफट से मैं आपको म्यूजिक लगा के दिखा दूंगा अच्छे से कॉन्फिडेंस के। तो फटाफट चलते हैं आगे की तरफ दोस्तों। ये देख सकते हैं, ये जो मैं ब्रिज आपको बता रहा था, किसानों के लिए जो होते हैं गाय भैंस से क्रॉसिंग करते हैं ना उनके लिए, क्योंकि जब ये एक्सप्रेस वे बनेगा तो इसको क्रॉसिंग करना जानवरों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और दोस्तों आपको मालूम होगा, नागपुर और मुंबई जो एक्सप्रेस वे बनाया गया ना, पहला ऐसा ब्रिज है, ऐसा एक्सप्रेस वे जिस पर ब्रिज बनाया गया ओनली फॉर जो जंगली जानवर होते हैं, वो जंगलों में होकर गुजरता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा जंगल है, उस जंगल से होकर गुजरता है वहाँ पर, जो कि एनिमल्स वगैरह के लिए क्रॉसिंग का जो ब्रिज बनाया गया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहाँ पर किसी पक्षी को, जानवरों को, किसी जानवरों को और किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना, तो इसलिए वहाँ पर अलग से एक क्रॉसिंग पुल बनाया गया है, वो भी ऊपर होके दोस्तों। तो यहाँ आप देखेंगे ये नीचे होके जो गाय भैंस चराने वाले आते हैं, बैलगाड़ी वगैरह होते हैं, किसानों के लिए बनाया गया है। फटाफट से आगे की तरफ जा रहा हूँ मैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा गाड़ी का निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो पा रहा है, आप देख सकते हैं आगे पूरा का पूरा रास्ता बंद है, क्योंकि यहाँ पर फ्लाई ओवर क्रॉसिंग ब्रिज बना जा रहा है ना, तो इस जगह का यहाँ पर काम यहाँ पर बंद है पूरा रास्ता, तो इधर ही होके निकलना मुश्किल है क्योंकि आगे पानी भरा हुआ है। तो अभी हमें वापस यहाँ से 4 किलोमीटर रिटर्न जाना पड़ेगा, विलेज में होकर आना पड़ेगा, जो कि इस जगह पर मैं आपको एक बार जूम करके दिखा दूँ दोस्तों। वहाँ पर आप बड़े बड़े लॉरी वगैरह देख रहे हैं, कंटेनर जो खड़े हुए हैं वहाँ पर, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेस वे बन के तैयार है, जो अपडेट हम आपको दिखाना है खास करके दोस्तों। अभी चलते हैं वापस की तरफ आप सभी के लिए, तो हमें ये कुछ करना ही पड़ेगा दोस्तों। जहाँ से मैं वीडियो बनाता हुआ ला रहा था और स्टार्टिंग किया था जहाँ से वीडियो, वहाँ से हम लोग 6 से 7 किलोमीटर चल के आ चुके हैं, बहुत घूम फिर के आए हैं गाँव में होके आए, जब तक यहाँ पे पुन्ना रिवर के ऊपर जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का जो ब्रिज बनाया जा रहा है वहाँ का नज़ारा मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। वहाँ पर एक छोटा सा डैम है, उसके ऊपर जो ब्रिज का काम है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ, तो मैं आपको वीडियो बैक कैमरे से और दिखा देता हूँ। तो भाई फटाफट से चलता हूँ नीचे की तरफ और आपको नीचे से क्लियरली इसका अपडेट दिखाऊंगा। जो पुराना रिवर है, पिछली बार जब आए थे ना तो उस वक्त गर्मी का टाइम था और अभी के मानसून स्टार्ट हो चुके, तो बारिश है, बारिश की वजह से तो पूरा नदी में पानी ज़्यादा हो गया है। और पिछली बार जब आए थे हम, मैं उधर से ब्लॉग स्टार्ट किया था, इस तरफ आया था नदी के अंदर होके, क्योंकि उस वक्त यहाँ पर छोटे पिलर बन रहे थे और पाइप रखे हुए थे, तो गाड़ी को मैंने आराम से क्रॉसिंग कर लिया था। और अभी गाइस मैं आपको बता दूँ, उस तरफ जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बीच में पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज है, तो इसलिए उधर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं, तो यह है पूर्णा नदी, और जो कि हम आपको अपडेट दे रहे हैं, जो कि नवसारी से लगभग आता है ये,
22 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों जी उसका ब्रिज बना जा रहा है चित्रा में, चित्रा डैम है इस जगह पर। तो दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पर ये गार्डर द्वारा रखा जा चुका है, यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है इस जगह का काम और धीरे धीरे ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा और मैक्सिमम ये मतलब 6 महीने के अंदर अंदर ये ब्रिज बन के कम्प्लीट भी हो जाएगा दोस्तों। ये देख लीजिए जो आपको मैं लेटेस्ट इसका अपडेट आपको दिखा पा रहा हूँ दोस्तों, जो कि है पूर्णा नदी पर दोस्तों इसका ब्रिज का काम। तो गाइस इस वक्त पानी का बहाव इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और इसके उस तरफ जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो पाएगा। मुश्किल तो क्या जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि उधर हालांकि काम इसका काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट था, NHAI का वहाँ पर रोड बन के तैयार था पूरा। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों ये नज़ारा। तो गाइस फटाफट से मैं चलता हूँ इसके ऊपर और इस जगह से मैं आपको इंटरेस्टिंग अपडेट दूंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ना, यहाँ से मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा और फिर यहाँ से आपको क्लियरली अपडेट दिखाऊंगा जो कि बहुत अच्छा लगेगा। आपको ड्रोन की कमी आपकी पूरी हो जाएगी दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। ये देख सकते हैं पूर्णा नदी है जो कि काफ़ी बड़ी और चौड़ी नदी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मैं आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का तो मैं आपको बता दूँ जो डिस्टेंस होता है दूसरे पिलर की ये 30 मीटर की दूरी होती है और जो बुलेट ट्रेन का होता है उसमें 40 मीटर की दूरी होती है। 10 पेयर हैं इसके अंदर और मैं आपको बता दूं ये टोटल 300 मीटर लंबा ये ब्रिज बनाया जा रहा है जो कि पूर्णा नदी पर है। इसका कैब का भी काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, जल्दी यहाँ पर जो आप देख सकते हैं सिगमेंट द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है। तो चलते हैं फटाफट से गाइस ऊपर की तरफ। अभी गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ जो मुंबई एक्सप्रेस वे का जो काम है, जो ये पूर्णा रिवर के ऊपर ब्रिज बनाया जा रहा है। तो ब्रिज के ऊपर खड़ा होकर मैं आपको ये सीन दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है इसका व्यू पूर्णा रिवर के पास का। भी मैं आपको सामने आप देख सकते हैं पूर्णा रिवर का डैम है, मैं आगे लेके चलता हूँ और आगे से भी आपको नज़ारा दिखा देता हूँ इसका। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये एक तरफ का है 4 लाइन का उधर से और यहाँ तक, और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर वैसे 8 लाइन का, लेकिन ब्रिज के ऊपर ये पूरा 12 लाइन का बनाया जाएगा क्योंकि ब्रिजों को बार बार थोड़ी ना बनाया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ना, इसको यहाँ से 12 लाइन का बनाया जाएगा, 6 लाइन का एक तरफ और 6 लाइन का उस तरफ दोस्तों आप देखेंगे इधर। और यहाँ पर काफ़ी बड़ा ये ब्रिज बनाया जा रहा है और ये देखेंगे इसका नज़ारा जो कि काफ़ी सुंदर है। यहाँ से ये है पूर्णा नदी जो कि आप देख सकते हैं दो भागों में बटी हुई है, यहाँ से ये इस तरफ से आती है और इस तरफ जाती है सीधे नवसारी के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूँ और ये इसका व्यू आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सुंदर दृश्य इसका दिखाई दे रहा है दोस्तों। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का जो है पूर्णा नदी के ऊपर हम आपको ये वीडियो बना के दिखा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ से दो, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ से 2 नदियाँ होती हैं जो कि आपस में मिल जाती हैं। यहाँ पर आते एक जो पूर्णा नदी जाती है सीधे नवसारी के लिए, मैं आपको बताया, और ये सीधे जाके यहाँ से समुद्र में जाके मिल जाती है और ये सीधा जा रहा है इधर मुंबई की तरफ गाइस। और अभी हम आए थे इधर सूरत की तरफ से, जो आपने आपको अपडेट दिखाया था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और ये चित्रा गाँव है जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक डैम है छोटी सी, यहाँ पर डैम जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ नीचे से दिखाया था मैंने आपको। और यहाँ पर काम की स्पीड फिलहाल कम कर दी गई है क्योंकि यहाँ पर अभी पानी का तेज है, भाव है ना, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने अभी भाई थे उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि जब तक ये बारिश का मानसून खत्म हो जाएगा ना उसके बाद ही काम यहाँ पर अभी स्टार्ट होगा और जो नदी के बीच का काम रुका रहेगा और साइड साइड का काम है वो चालू रहेगा दोस्तों। मैं आपको बता दूँ देख लीजिए जो आपको मैं लेटेस्ट अपडेट दिखा रहा हूँ पूर्णा नदी का। तो गाइस आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का एक नया अपडेट दिखाया जो पूर्णा रिवर के ऊपर इसका कैसा काम चल रहा है वो आपको वीडियो में देखने को मिला होगा दोस्तों। और ये एक लेटेस्ट अपडेट था और फाइनली इसके ऊपर खड़ा होकर जो आपको वीडियो बना के दिखाई है ये पहली वीडियो मेरी, क्योंकि आज के बाद मैंने किसी भी वीडियो में ऐसे ब्रिज के ऊपर खड़ा होकर जो वीडियो शूट करके आपको व्यू नहीं दिखाया है। तो ये अपडेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते जल्दी एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना।